आज हम मटन बट कढ़ाई बनाएंगे। बट कढ़ाई में कौन कौन से मसाले और किस टाइम पे यूज होते हैं, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चल सके कौन से मसाले किस टाइम पे ऐड करने से बट कढ़ाई टेस्टफुल बनती है। 1 kg मटन प्रेशर कुकर में डालेंगे। 3 लार्ज साइज के टमाटर हैं, इसे 2 हिस्से में कट कर लिया है, ये ऐड करेंगे। अगर आपके पास टमाटर का साइज छोटा है तो आप 4 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे। 3 सब्ज मिर्चें, 1 teaspoon साल्ट, 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। मटन को गलाने के लिए 10 से 12 मिनट का प्रेशर देंगे। 12 मिनट हो गए हैं, प्रेशर रिमूव करेंगे। टमाटर की जो स्किन है वो रिमूव कर लें। अब 1 teaspoon रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे टमाटर का पानी खुश कर लेंगे। टमाटर को मैश कर लिया है और टमाटर का पानी अच्छे से खुश हो गया है। अब इसमें 50 ग्राम के करीब बटर ऐड करेंगे, 1.5 teaspoon खुश धनिया पाउडर और 1 teaspoon क्रश की हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 3 to 4 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे। अगर सिर्फ बटर में ही पकाएंगे तो कढ़ाई का कलर जो है सारा चेंज हो जाएगा, ब्लैक की तरफ चला जाएगा। 2 से 3 मिनट ऑयल के साथ भुनाई कर लेंगे। बटर और ऑयल के साथ भुनाई हो गई है। 100 ग्राम दही ऐड करेंगे। फुल फ्लेम पे दही का पानी खुश कर लेंगे। भुनाई का जो सारा काम है वो आपने फुल फ्लेम पे ही करना है, लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं करनी। दही का पानी खुश हो गया है। 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए। मिक्स कर लेंगे। 4 साबित सुरख मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी सब्ज मिर्च, अदरक, धनिया, 3 स्लाइसेस लेमन के ऐड कर देंगे। आपने इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए बट कढ़ाई बनानी है। आपको बट कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।